एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे, हेल्दी, स्वस्थ, मस्त होंगे। अभी शाम के 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं और हम देख रहे थे मूवी। मूवी देख के इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि पूछो मत। और गौरी पूछ रही है, मम्मी तुम रो क्यों रही है? मूवी देख के कोई रोता है क्या? आज का ब्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था। कल रात से ही हमने शुरू किया था ब्लॉग, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। दोपहर के खाने के बाद ब्लॉग का एंड भी नहीं किया और शाम के टाइम टहलने जा रहे थे। हमने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं, एक नया ब्लॉग यहीं से, क्योंकि वो ब्लॉग तो वैसे भी 18 मिनट 17 मिनट का हो चुका है, तो उस ब्लॉग में अब कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आप लोग ब्लॉग को शुरू से लेके लास्ट तक देखिए, कितने आंसू गिरे हैं मुझे। गौरी से पूछो, सिसक सिसक के इतना रो रहे थे। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसी कहानी होती है जिसे देख के इतना ज्यादा रोना होता है। तो यहाँ पे बाप और बेटी का प्यार चल रहा था, मतलब एक बेटी अपने पिता से अपनी सारी सच्चाई बता रही थी, मतलब वो अपने प्यार के बारे में कितना ज्यादा प्यार करती है। तो पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा रोना आया। खैर, कभी कभी स्टोरी ऐसी रहती है ना कि रोना आ जाता है। तो हमने सोचा ब्लॉग शुरू कर देते हैं। इस टाइम पे हम गौरी हैं। गौरी क्या कर रही हो? गौरी इधर बैठी है। गौरी हाय तो नहीं, बोल दो, चलोगी टहलने? तो गौरी भी आजकल मेरे साथ टहलने जाती है शाम के टाइम, लेकिन आज पता नहीं क्यों उनका मन नहीं है। चलो आज चाउमीन दो दो बार खाई हो तो कम से कम वॉक तो करके आओ। जंक फूड खाती हो बाहर। आज कोई नहीं जाएगा, आज पापा जाएंगे नहीं बाहर, तो तुम क्या जाओगी? अब कल परसों से छुट्टी है, तो सबसे पहले ये आंसू पूछ लेते हैं, नहीं तो हमारे कॉलोनी पूछेंगे कि पढ़ाई रोवत कहाँ है रहो। तो कहावत टाइप के मूवी देख के रोवत रहे। अरे भाई, हम तो रोज उठ जाई थे, बस आज तू उठ के खाना बनाए तू बस। तू का पराठा बना दे दूठे और गुड़ दे दे, ठीक रहे ना? हाँ। दो पराठा बना दे बाटा गूंथ के और गुड़ दे दे। तो गौरी का फेवरेट है गुड़ रोटी, बहुत खाती है। लेकिन कल गौरी के लिए ना पराठे बना देंगे, और सुबह घी के पराठे बना देंगे और गुड़ दे देंगे, या फिर अचार ले जाओगी? गुड़ ले जाओगी? गुड़ ले जाएगी, नया वाला गुड़ आया है, तो अचार और पराठे ले जाएगी। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले टहलने चलते हैं। बर्तन बर्तन कुछ नहीं धुला है, सारे के सारे काम पड़े हुए हैं। आज आलस मार के, अलथी पलथी मार के लेट के पिक्चर देख रहे थे। बहुत दिनों बाद मैं टीवी नहीं देखती हूँ, बहुत दिनों बाद ऐसा होता है जब मैं टीवी देखती हूँ। अगर कोई मूवी आ रही है ना, रीजन क्या होता है जब हम टीवी देखने लगते हैं, 3 घंटे की होती है मूवी और मुझे कितने सारे काम होते हैं करने को। सर जी पता नहीं कौन, डिलीट कर दो, पुराना नंबर होगा जो हमारे सर जी पढ़ाते थे। वो हमारी मैडम जी होंगी जो हमें पढ़ाती थी, उनका नंबर उसमें सेव है, या फिर तुम्हारे सर जी का होगा कोई, डिलीट कर दो। और तुम नंबर चुन चुन के कहा है डिलीट कर रही हो, ऐसा का तुम्हें? हमको लगा कुछ सर्च किया था तू, उसको तुम ही छूती हो, गोलू छूते हैं, और तो कोई छूता नहीं उसको, आज वीडियो भी नहीं उसमें चलाए हैं। तो बर्तन सारा सिंक में पड़ा है, टहल के लौट के आने के बाद बर्तन धुलेंगे, चाय भी बनाना है, खाना भी बनाना है, बहुत कुछ करना है। आप लोग पूछते हैं रात को डिनर नहीं बनाते हो जी, 4 लोग हैं, डिनर नहीं बनाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? ऐसे थोड़ी सोते हैं हम लोग। लेकिन होता क्या है कि होता क्या है कि ना कि दोपहर में थोड़ा बहुत कुछ बच जाता है तो फिर शाम के टाइम कम बनाना। तो देखिए मेरे व्हाइट व्हाइट नाखून कितने अच्छे लगते हैं। तुम रोज कहाँ सामान दिला रहे हो? हाथ में नेल पेंट बहुत कम लगाते हैं क्योंकि आटा वाटा गूंथना होता है ना, देखिए नाखून भी नहीं रखते, नेल पेंट भी नहीं लगाते हैं। और ये लाल लाल चूड़ियां पहन रखी है, लाल पीला धागा बांध रखा है, बहुत अच्छा लगता है। ये उज्जैन से लाए थे धागा, तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो अपने लिए बांधा है, एक किसी और के नाम से बांधा है, दो रक्षा हमने बांध रखा है। तो चलिए सबसे पहले टहल के आते हैं, उसके बाद आप लोगों से। अच्छा, मुझे कभी कभी ना आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी होती हैं, कभी मेरे पास बातें ही नहीं रहती करने का। आज मेरे पास ढेर सारी बातें हैं करने के लिए आप सबसे। मतलब कभी कभी ये होता है ना कि बोलते बोलते ही ब्लॉग बनाए, मतलब ऐसे सिर्फ आप लोगों से बातें करें ढेर सारी और ब्लॉग में कुछ ना शेयर करें। लेकिन होता क्या है ना कि टाइम टाइम से काम भी तो करने होते हैं, या फिर अब बैठ के बातें ही थोड़ा ही करेंगे, कुछ काम की चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करना होता है। कुकिंग सुकिंग भी कुछ शेयर कर देते हैं, कुछ रूटीन भी शेयर कर देते हैं, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और सिर्फ मेरी बोलती बक बक सुन के आप लोग बोर तो नहीं होते बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बहुत हंसती हूँ, लेकिन आजकल तो थोड़ा कम हो गया है बोलना भी और हंसना भी, लेकिन होना नहीं चाहिए। आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहनी चाहिए, हमेशा आप हंसते रहे मुस्कुराते रहे, जो जहां भी रहे हमेशा हंसते मुस्कुराते अपने काम में बिजी और व्यस्त रहना चाहिए, ऐसी लाइफ सबकी होनी
चाहिए मेरी तरह। और सबसे पहले हम निकल चुके हैं टहलने, अभी शाम का कोई काम नहीं हुआ, घर का सारे काम छोड़ के निकल चुके हैं। देखिए कभी कभी हमारा मन होता है ना, ये होता है कि चलो ये काम कर लें वो काम कर लें अपने लिए बाद में टाइम निकालेंगे। नहीं नहीं जी, सबसे पहले आप अपनी खुशियों के लिए अपने लिए टाइम निकालो। ये तो बहाना होता है बस कि मेरे लिए अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं होता है। सारे काम को इधर उधर साइड में रखो, पहले अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालो। और जिसमें से सबसे ज़रूरी होता है वॉक। मेरे पैर वैर इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं आज, हमने खुद देखा। मतलब होता है ना, जब आप इतना वॉक करते हैं तो निश्चित रूप से आप पतले जरूर होंगे। खाने पीने का आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग कहते हैं वजन कम नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है मेरा वजन बहुत ज़्यादा कम हुआ है। लेकिन हाँ, फेस जो होता है ना, हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा गोल मटोल है, फेस का फैट कम नहीं हो रहा है। बाकी तो हाथ पैर पेट सब कुछ फैट कम हो चुका है, क्योंकि हमारा मुंह तो चलता है नहीं, चलते तो हमारे हाथ पैर हैं, पूरी बॉडी चलती है। हमारा मुंह चले ना थोड़ा सा, इसको पहले फेस वाला योगा करते थे, फेस जो हमारा फेस का फैट है वो कम करे। तो बीच में हमारा फेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था, लेकिन आजकल फिर से बड़ा हो चुका है। फेस का फैट कम करने के लिए मुझे फिर से एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, फेस योगा इसको बोलते हैं। बहुत तरीके के होता है, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यूट्यूब ऐसी जगह है जो कि आपको सुई से लेकर फार तक मिल जाता है। शाम के लौट के आने के बाद गुड़ की चाय बनाइए, आप लोग भी आ जाइए। गुड़ की चाय कैसे बनाते हैं आप लोगों के साथ कई बार हमने शेयर किया है। बस चाय पी हमने आधा कप और जुट गए अपने काम में। ये शाम को आने के बाद हमने बर्तन धुले थे, हमने सोचा इनको सबसे पहले लगा देते हैं। आप पूरे किचन में देख सकते हैं, मेरे दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ आपको बर्तन बर्तन ही दिखाई देगा, क्योंकि बर्तन के इतने ज़्यादा शौकीन हैं। अगर मार्केट गए ना, जब तक दो चार बर्तन लेके ना आए तब तक कुछ ना लेके आए, और साथ में प्लास्टिक के सारे सामान भी लेके आते हैं। हालांकि अब हमने कुछ दिनों से ये सोचा है कि जो भी हम सामान लेंगे स्टील का लेंगे, प्लास्टिक का नहीं लेंगे, क्योंकि प्लास्टिक तो नुकसान भी करती है और उसका ना अजीब सा हो जाता है कलर वलर गर्म खाने देने से, और सबसे बड़ी बात क्या है, नुकसान करता है। इसलिए आप जो भी सामान लेते हैं, बच्चों का टिफिन हो या फिर बॉटल हो, स्टील की ही लेते हैं, ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो ये जो बॉटल है ना पुरानी आई है, लेकिन अब से अगर बच्चों के लिए हमने बॉटल खरीदी तो बच्चों के लिए भी स्टील का ही बॉटल खरीदेंगे, प्लास्टिक का कुछ भी नहीं लेंगे, ना ही टिफिन ना ही बॉटल। तो बस सारे बर्तन कुछ लगा दिया है, स्लैब पूरी खाली हो चुकी है। शाम के टाइम ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी है, दोपहर सुबह में जो हमने नहीं सॉरी दोपहर में जो हमने सब्जी रोटी बनाई थी, बच्चे स्कूल से आने के बाद किसी ने सब्जी रोटी नहीं खाई, सिर्फ हमने और हस्बैंड ने खाई थी। तो शाम के टाइम दाल चावल बना रहे हैं। अरहर मलका की दाल मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, भा रही है सबको। अरहर और मसूर ही बिना छिलके वाली, मसूर की दाल जो होती है जो उसमें छिलके नहीं होते, ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। नमक का डिब्बा खाली हो चुका है, इसको धुलेंगे, फिर से नमक भरेंगे और दाल में हल्दी नमक डाल के बस इसको उबलने के लिए रख दें। इसमें कुछ नहीं लगाएं, तड़का वड़का अगर फ्राई कर दें तो इस पर इतना टेस्ट आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं, बस सिंपल दाल सादा भोजन, उच्च विचार रहते हैं हम सबके। तो शाम के टाइम दाल चावल हमने बनाया, तो दाल चढ़ा देते हैं, दो सीटी में पक जाएगा। आज हम नाश्ते के लिए देखिए भिगो रहे हैं, थोड़ा सा किशमिश लिया है, बादाम लिया है इसमें 8-10, और ये जो है हरा मूंग है। आप लोग पूछते हैं ना स्प्राउट कैसे करते हैं, तो हमने सोचा चलो शेयर कर देते हैं। और ये चना है, चना को हमने थोड़ी देर पहले ही भिगो दिया था, ये दोनों चीज नहीं भिगोया था, तो हमने सोचा भिगो रहे हैं। हाँ, कलर करना है बस ऐसे ही, तो इसको भिगो देते हैं, अभी बात करते हैं, रुक जाओ। तो आजकल हमारे बेटे को ना एक भूत चढ़ा है कि प्रोटीन की कमी जो हो जाती है ना, 12 साल से 19 साल तक जो होती है ना प्रोटीन की वजह से बीमारियां हो जाती हैं। बस उस जब से स्कूल से पढ़ के आया है मेरा दिमाग खा रखा है, मम्मी हरी मूंग भिगो दे, मम्मी बादाम भिगो दे, मम्मी किशमिश भिगो दे, मम्मी मूंगफली भिगो दे। तो हमने कहा अपने लिए तो नहीं कर पाते हैं, कभी भिगो पाते हैं, चलो तुम्हारे लिए ही भिगो देते हैं। तो ये ज्यादा तो मुझे ऐसा लगता है बेटे का ही है, एक दो दिन भूत चढ़ा है, उसका भी भूत उतर जाएगा जल्दी ही, क्योंकि एक दो दिन ही रहता है यार, उसके बाद कुछ याद नहीं रहता। तो हमने सोचा चलो भिगो देते हैं। तो ये मूंग भिगो दिया है, थोड़ा ही भिगोया है, पहले उसका टेस्ट करेगा, उसको अच्छा लगेगा तो फिर ज्यादा भिगोएंगे। और वैसे भी ताजा ताजा स्प्राउट तैयार करो तो ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे किशमिश और बादाम भिगो दिया है। हमारी दाल जो है एक साइड हमने चढ़ा दिया, दूसरी साइड हम दूध को भी गर्म होने के लिए गैस पे चढ़ा देते हैं। जब तक हमारी दाल में दो सीटी आएगी हमारा दूध गर्म हो जाएगा। और दाल पक जाने के बाद दाल को हमने खाली कर लिया है, कुकर को फिर से धुल के उसमें चावल चढ़ा देंगे। रोटी सब्जी कुछ नहीं बनानी है, चटनी वटनी कुछ नहीं, बस सलाद कटेगा, जिसको मन होगा अचार से खाएगा। वैसे भी सब्जी रखी हुई है तो सब्जी और ये सब बनाने का कोई मतलब ज़रूरत भी नहीं है। तो चावल को भी चढ़ा देते हैं, एक सीटी आ जाएगा। ये जिसके लिए ये सब बना रही हो, इसके लिए ये नो सब बैक डे के दिन। अरे नो बैक डे के दिन, लेकिन काम क्या है जो बना रही हो? क्योंकि मैं इसमें लंच बॉक्स, वाटर बॉटल और जो जो कल सामान लगेंगे पेंटिंग वेंटिंग के लिए सारा, और जो एक झोला और तैयार की उसको भी दिखा दो दोस्तों को। मगर वो उस
उसमें मैं सामान नहीं लेके जाऊंगी। कोई बात नहीं, जो तैयार की हो दिखा दो, नहीं ले जाओगी तो कोई बात नहीं। गौरी का काम चालू रहता है हमेशा जब स्कूल से आती है। ये वाला दिखाओ, ये वाला। ये गाइस, ये गणेश का बैग था, कागज का, और ये मिठाई का बैग आया था, इसमें मीठा करके आया था। गौरी ने इसको कलर पेंट करके बनाया। बाद में आ रहा है, हाँ, ज्यादा भारी सामान रखूंगी तो फट जाएगा, तो फिर पता नहीं क्या क्या इसको स्कूल में, कल नो बैग डे है तो बस इसको लगा है, तो ये अपना कलरिंग पेंटिंग में जुटी हुई है। और आज पढ़ाई क्यों नहीं है कोचिंग वाली? क्योंकि आज सर नहीं। नीचे बैठो। आज पढ़ाई क्यों नहीं हुई? आज गौरी फुर्सत में है, आज इसको जो ट्यूशन पढ़ाते हैं सर वो नहीं आए हैं, आज कल लगन है ना, तो वो कहीं शादी रिसेप्शन में गए होंगे। तो अभी ये पूरा जब हो जाएगा तैयार तो मैं दिखाऊंगी। अभी इसमें और कुछ करना है कि बस अभी? हाँ, अभी इसका नाम लिखेंगे। अरे उसके अंदर कलर नहीं भरना है टेडी? नहीं, ये टेडी बेयर थोड़ी ना, ये तो रैबिट है। अच्छा, तो व्हाइट कर दो, रैबिट व्हाइट होता है। अरे चलो छोड़ो, वहां दोगी लेके आने के बाद ना फिर कौन सा? नहीं, हाँ? हर सैटरडे को इसको लेके जाना पड़ेगा। हर सैटरडे तुम नहीं जाओगी स्कूल? मैं जाऊंगी। मैं अपने सबसे ज्यादा सलाद को शामिल करें, चाहे वो मूली हो, खीरा हो, चुकंदर हो, कोई भी सलाद हो, आप सलाद को जरूर शामिल करें। पत्ता गोभी का सलाद कर सकती हैं आप, तरह तरह के ठंड के मौसम में बहुत ही तरीके के सलाद आते हैं, तो आप खाने में सलाद को जरूर शामिल करें। आप दाल चावल की क्वांटिटी कम कर सकती हैं, मतलब चावल रोटी की क्वांटिटी, दाल की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकती हैं। खाने को 32 बार चबा के हमेशा खाएं, चाहे आप दोपहर को खाएं या फिर शाम को खाएं, मतलब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें खाने के लिए, टहलने के लिए। देखो जीवन इतना सुंदर है, आप इसको जीने के तरीके थोड़े से बदल के देखिए, इतना सुंदर बन जाएगा कि पूछिए मत। जैसे पहले क्या होता था ना, आलस मुझे बहुत लगता था, ऐसा नहीं होता था, खाने पीने में भी कंट्रोल नहीं रहता था, जो भी मिलता था खा पी लेते थे। आजकल हमारे बच्चे खाते थे, मम्मी जब तुम डाइट नहीं करती थी ना तभी अच्छा होता था, तब रंग रंग के खाने मिलते, लेकिन जब से आप डाइट करने लगे हो तब से बस वही दाल चावल रोटी सब्जी यही सब बनाते हो, कुछ ऐसा नहीं बनाते हो अच्छा अच्छा खाने के लिए। पहले अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, लेकिन अब बच्चों को वही मिलता है सादा सिंपल। तो बच्चे आज कह रहे थे कि मम्मी पहले आप डाइट नहीं करती थी तो ज़्यादा अच्छा था, जब से आप डाइट करने लगे हो तब से अच्छा नहीं मिलता। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 10:10 हो रहे हैं, अभी भी जागा जागी हो रही है। हालांकि रोज ऐसा नहीं होता, रोज 9:30 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन आज जाग रहे हैं। और बस लास्ट काम बचा है, दही जमाना है, दूध हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, ये पैकेट वाला दूध आया था। बाकी जो गाय का दूध आया है वो चाय के लिए, और इधर वो चाय के लिए और पीने के लिए रखा है। बाकी दही जमाने के लिए पैकेट वाला दूध आया है। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आज तो मैंने कोई ज्यादा ऐसे कुछ नहीं, मतलब शेयर किया आप लोगों के साथ, जो भी बना, जो हम लोगों ने खाया पिया, मतलब खाया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। डिनर हो चुका है, रात के 10:10 हो रहे हैं। दूध दूध नहीं लेना है क्योंकि आज हमने जम के दाल चावल खाया है, साथ में ढेर सारा सैलेड खाया है। गौरी ने भी दाल चावल सब्जी सैलेड खाया है, सबने वही खाया है। बाकी गोलू उनके पापा ने रोटी सब्जी दाल चावल ये खाया था, हम गौरी ने चावल खाया था, हमने भी और गौरी ने। तो आज का ब्लॉग क्या करते हैं गौरी? एंड। आज का ब्लॉग क्या करते हैं? एंड। मिलेंगे कल के ब्लॉग में, मिलेंगे आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सुप्रभात, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे, हंसते मुस्कुराते गाते गुनगुनाते रहे, 32 बार चबा के खाते रहे, मेरे वीडियो को लाइक करते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और इसको शेयर भी करे। बस अब नहीं तो का और क्या करूँ। और मिलते हैं आप लोगों से फिर नए ब्लॉग के साथ। गुड नाइट, शुभरात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय। इतना बड़ा